वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है, हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। कौन करेगा फिल्म प्रोड्यूस, कौन होगा फिल्म का विलन, क्या अलग अंदाज में आएगा नजर इस बार का खलनायक? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। हर कहानी में हमेशा दो प्यार करने वाले ही होते हैं, जिनको अलग करने वाले भी काफी लोग होते हैं, और जब दो दिल बिछड़ते हैं तो एक शाखा पैदा होता है। हैरी बवेजा की फिल्म दिल जले की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी। ऐसे में अब बनने जा रहा है फिल्म का दूसरा पार्ट दिल जले 2। ऐसे में फिल्म के पहले पार्ट में विलन के तौर पर शक्ति कपूर यानी राजा साहब और इंस्पेक्टर के रोल में यजवेंद्र यानी गुलशन ग्रोवर नजर आए। अब फिल्म का आने वाला है दूसरा पार्ट। ऐसे में अब के जमाने के विलन का स्टाइल और मारने का स्टाइल चेंज हो गया है। पहले के विलन हाथों से कम और हथियारों से ज्यादा लड़ते थे, जैसे गन तलवार और या फिर उनकी गैंग के मेंबर हीरो से लड़ते थे। लेकिन अब के जमाने के खलनायक हाथ पैर के साथ साथ दमदार ड्रेसिंग स्टाइल भी आप मिस करेंगे, जैसा पहले के विलन मोकेम्बो शाकाल गब्बर जैसे फेमस विलन अपने अतरंगी कपड़े और वेपन्स के लिए जाने जाते हैं। पर अब के विलन में आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन विलन है और कौन हीरो। ऐसे में दिल जले 2 में हमें आयुष शर्मा विलन के रोल में दिख सकते हैं। उनकी हाल ही में आई फिल्म अंतिम में उनके विलन कैरेक्टर को काफी पसंद किया गया है, और उनके रिसेंट एक इंटरव्यू में बताया कि वो अब कोई साइड रोल नहीं करना चाहते। ऐसे में आने वाले फिल्म दिल जले 2 में हमें आयुष विलन रोल में दिख सकते हैं। अगर फिल्म का हिस्सा आयुष शर्मा रहे तो काफी चांसेस हैं इस बार भी फिल्म को सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसे तो सलमान ने अपने इस प्रोडक्शन हाउस के अंदर ज्यादातर अपनी फिल्में बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे जैसी फिल्में और नए एक्टर्स के लिए फिल्में बनाई है, जैसे हीरो, लव्यात्री, नोटबुक। इन सभी फिल्मों का बजट काफी अच्छा खासा रहा। ऐसे में अगर दिल जले 2 भी सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन के तले बनती है तो कौन कौन से स्टार कास्ट नजर आएंगे, जानने के लिए देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर।